पिछले कुछ सालों में पृथ्वी अपनी रोटेशन की स्पीड बदल रही है, तो क्या इससे अर्थ और ह्यूमन सिविलाइजेशन पर कोई असर पड़ेगा और क्या इससे हमें घबराना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अर्थ पर एक दिन का ड्यूरेशन 86,400 सेकंड्स यानी कि 24 आवर की होती है। ये वो समय है जो पृथ्वी को एक बार घूमने के लिए लगता है। हालांकि पृथ्वी पूरी तरह से समान रूप से हमेशा नहीं घूमती है। पृथ्वी का रोटेशन वास्तव में धीमा हो रहा है, जिससे दिन की लंबाई औसतन प्रति 100 साल में लगभग 1.8 मिलीसेकंड बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि 600 मिलियन साल पहले एक दिन का ड्यूरेशन केवल 21 घंटे का था। दिन की लंबाई में बदलाव के कई कारण होते हैं, जिसमें चंद्रमा और सूर्य के टाइडल इफेक्ट, पृथ्वी के अंदर की कोर कपलिंग और पृथ्वी पर टोटल मास के डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। भूकंपीय गतिविधि, ग्लेशियर, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी दिन की लंबाई को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन 2020 में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि पृथ्वी धीमे होने की बजाय तेजी से घूमने लगी है। पिछले 50 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में पृथ्वी इस बार ज्यादा स्पीड से घूम रहा है। वास्तव में पिछले कई सालों के रिकॉर्ड में पृथ्वी पर सबसे कम ड्यूरेशन का 28 दिन 2020 के दौरान पाया गया है। अभी तक वैज्ञानिक पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि पृथ्वी की रोटेशन में इस वृद्धि का कारण क्या है, लेकिन कुछ ने सुझाव दिया है कि हर 20वीं शताब्दी के दौरान ग्लेशियरों के पिघलने या नॉर्थ पोल के जलाशय में बड़ी मात्रा में पानी के संचय के कारण यह हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुमान है कि यह तेजी एक अस्थायी प्रभाव है और भविष्य में पृथ्वी फिर से धीमी होने लगेगी। लेकिन अभी के लिए क्या हमें चिंतित होना चाहिए? हालांकि इसका हमारे दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन GPS सैटेलाइट, स्मार्टफोन और संचार नेटवर्क जैसे प्रौद्योगिकी के लिए गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, जो सभी अत्यंत सटीक समय प्रणालियों पर निर्भर करते हैं। तो इस वजह से हमें चिंतित नहीं होना चाहिए जब तक कि दिन का छोटा होना मानवीय गतिविधियों के कारण ना हो। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द इनक्रेडिबल ट्यूब को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।